पहाड़ों पर इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ी है। इस मौसम का लुत्फ उठाने सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं, लेकिन कुछ सैलानी अपने एंजॉयमेंट के साथ पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए हैं। दरअसल शुक्रवार शाम 6:30 बजे शिमला के संजौली टनल पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस से बहस करते करते एक सैलानी ने पुलिस कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। ढली थाना प्रभारी एसएस गुलेरिया ने बताया कि इससे पहले दो गाड़ियों में टक्कर हो गई। टनल के समीप तैनात पुलिस ने मौके पर ढली पुलिस थाना को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और दोनों गुटों में समझौता करवाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में दिल्ली नंबर की गाड़ी के पर्यटक ने शराब पी रखी थी, जिसके बाद उसने पुलिस से बदतमीजी की और टनल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। इसके साथ ही दिल्ली से शिमला आया सैलानी सड़क पर लेट गया। यही नहीं, पुलिस को शराब पीते इस सैलानी को काबू करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे में करीब 50 मिनट तक टनल के बाहर दोनों तरफ से जाम लग गया। वहीं पुलिस ने जब पर्यटक को समझाने की कोशिश की तो ऐसे में वे पुलिस के साथ गाली गलौज करने लगा और देखते ही देखते पर्यटक ने SI पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। मौके पर पहुंची ढली पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल सैलानी को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। आपने